स्टार प्लस पर हाल ही में शुरू हुए हैं 4 नए शोज और इन नए शोज में कोई भी शो किसी से कम नहीं है और न ही किसी भी मायने में आपस में एक जैसे हैं, क्योंकि हर शो का अपना एक अलग ट्रैक चल रहा है। हर शो की अपनी एक अलग कहानी है जो बाकी के 3 शोज से हर मायने में अलग है। और कुछ इसी तरह का शो है क्या कसूर है अमला का, एक ऐसी लड़की की कहानी है जिसका शारीरिक शोषण किया गया है। इसी लड़की के आसपास घूमेगी इस शो की पूरी पूरी कहानी। तो अब बता देते हैं आपको कि क्या कुछ होगा इसके सोमवार वाले एपिसोड में। जी हाँ, यानी कि अब से आपकी डिमांड पर हम इस शो की अपकमिंग एपिसोड की फुल डिटेल्स लेकर आएंगे रोज। तो अब बताना शुरू करते हैं कि क्या कुछ होने वाला है क्या कसूर है अमला का के अगले एपिसोड में। जैसा कि पिछले एपिसोड में आपने देखा कि इवान, सुवीर, विराज अपने पकड़े जाने के डर से काफी ज्यादा डर जाते हैं, वहीं दूसरी तरफ अबीर खुद में शर्मिंदगी महसूस कर रहा होता है कि उसने ऐसी जानवरों वाली हरकत कैसे कर डाली अमला के साथ। अब इसके साथ ही आपको कहानी में आगे बताएं तो कल के एपिसोड में आप ये भी देखेंगे कि कैसे अमला की भाभी को मिल जाएगी एक एंगेजमेंट रिंग और उस रिंग को लेकर वो पहुंच जाएगी वहां जहां बैठे होंगे सुवीर, इवान और विराज। और इसी बीच इन तीनों के मामा भी पहुंचेंगे रघु यानी अमला के भाई से मिलने गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, जहां अमला एडमिट हुई होगी और कोशिश करेंगे कि कैसे भी कल के इस केस को बंद करवा दें। वेल, यही तक होगा ये एपिसोड, तो मिस मत कीजिएगा इस एपिसोड को, क्योंकि इस शो के हर एपिसोड में आप समाज की ऐसी ऐसी बुराइयों से रूबरू होंगे जो हम आए दिन सुनते तो हैं ही लेकिन कभी उसको देखने या समझने की कोशिश नहीं कर पाते हैं। तो सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल टॉप न्यूज़ जस्ट फॉर यू इस सीरियल से जुड़ी सभी अपडेट्स को जानने के लिए। टॉप न्यूज़ से आस्था की रिपोर्ट।